समय तक स्टूडेंट्स uh, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उससे राज्यों तक uh, और राज्यों के जो इंटरेक्शंस है अन्य राज्यों के साथ जो वो इंटरेक्ट करता है उससे जोड़ा गया तो अगर आप इस बात को देखते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संबंधी जो राज्य है वो एक मेन एक्टर है और अन्य राज्यों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है ये अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाता है और इंटरैक्शन जो है यानी कि संबंध कैसे हैं अन्य राज्यों के साथ या अन्य एक्टर्स के साथ ये संबंध जो है वो शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं युद्ध की परिस्थिति भी हो सकती है तो इंटरेक्शन जो है आपका अन्य राज्यों के साथ काफी लंबे समय तक ये माना गया कि राज्यों के बीच के जो संबंध है आपस में वो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्वरूप है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ये व्यापक हुआ और अंतरराष्ट्रीय संबंध में रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स अब हमने इसको एक वाइडर डेफिनेशन के रूप में इसको देखा है इसे हम व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं जिसमें हम सबसे पहले आईआर को अंतरराष्ट्रीय संबंध को एक अलग डिसिप्लिन मानते हैं बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक सब डिसिप्लिन के रूप में या एक ब्रांच पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा लेकिन धीरे धीरे इसके एक अपने आप में से महत्वपूर्ण माना गया और एक अलग डिसिप्लिन के रूप में एक पूरे डिसिप्लिन के रूप में इन 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 टर्म्स ऑफ अ फुल डिसिप्लिन अंतरराष्ट्रीय संबंध को देखा जाने लगा कुछ समय लगा और अभी भी अगर आप देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में तो uh, काफी सारे हैं जिसे आप कह सकते हैं एम ए इंटरनेशनल रिलेशन या हायर स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन लेकिन भारत में अभी पोलिटिकल uh, साइंस uh, पे uh, ज्यादा बल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए या हायर स्टडीज़ अगर आपको करनी है आ, बहुत सारे आपके पास उपलब्ध हैं Uh, आपके पास uh, बहुत सारे कॉलेजेस uh, हैं या यूनिवर्सिटीज हैं पर फिर भी उतने नहीं हैं जितने की होने चाहिए uh, तो जब हम वाइडर वाइडर डेफिनेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अब हम उसमें केवल राज्यों के बीच में संबंध की बात नहीं करते हैं हम उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए जैसे बहुराष्ट्रीय निगम हो गया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस सबने नाम सुना होगा ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस का नाम आपने सुना होगा बेसिकली क्या होती है एम uh, uh, एक का जैसे ज्यादातर डेवलप कंट्रीज की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने uh, निवेश किया है विदेशी पूंजी निवेश किया है उन्होंने अन्य राज्यों में या अपनी ब्रांच खोली है ये MNC's होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हुई जो है कंपनी है उन्होंने सेंट्रो uh, जो कार बनाती है तो भारत में एक ब्रांच खोली है या बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने इंडिया में ब्रांच खोली है या आप uh, किसी ऑलरेडी एक इंडियन कंपनी है या किसी भी राज्य की कंपनी है उसमें कुछ प्रतिशत शेयर आप खरीद लेते हैं तो इस तरह से एमएनसी uh, कार्य करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर हम पॉलिटिक्स के रूप में उसे देखते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी है और खासकर जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जो हम बात करते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी राज्यों के बीच में सिक्योरिटी और अंतरराष्ट्रीय स्टेट जो स्तर है वहां पे सिक्योरिटी हम जब थ्योरी करेंगे आपका सेकेंड यूनिट तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये माना जाता है इंटरनेशनल जो सिस्टम है या अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है वहां पे अराजकता है एनआर है बिकॉज जैसे नेशन स्टेट्स होते हैं कंट्रीज है तो वो सॉवरन है संप्रभुता संपूर्ण है तो उनमें लॉ एंड ऑर्डर है यानी आपका जो राज्य है आप जो सरकार जिसे आपने चुना है तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो सुचारू रूप से चले वो देखभाल करती है आ, प्रशासन आ, इसका कार्य करता है और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई ऐसा राज्य नहीं है या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूर्ण रूप से काम कर सके यूनाइटेड नेशंस है या इंटरनेशनल लॉ है लेकिन वो ऐसे राज्यों की तरह उनके पास शक्ति नहीं है कि आपने अगर उनका पालन नहीं किया तो आपको कोई पनिशमेंट दी जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ज्यादातर एनार्किकल या अराजकता पूर्ण माना जाता है तो सिक्योरिटी का इश्यू बना रहता है हर राज्य को खतरा रहता है दूसरे राज्य से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और यही उसकी फॉरन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता है तो ये हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बदलाव लाया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अंतरराष्ट्रीय हो गए हैं राज्य स्वयं उनसे डील नहीं कर सकते जैसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का इश्यू हो गया पर्यावरणीय मुद्दे हो गए पॉल्यूशन हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया तो अगर एक राज्य प्रयास भी करता है तो जब तक सभी राज्य मिलकर प्रयास नहीं करेंगे इन समस्याओं से हम जूझ नहीं सकते इंटरनेशनल टेररिज्म अगेन ये एक ऐसी समस्या है अगर एक राज्य भी प्रयास करेगा तब भी क्योंकि जो ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टेररिज्म है ये सामने आया है तो स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जुड़े हुए हैं इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस है यूरोपियन यूनियन है, है सार्क है So, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन बहुत बड़ा बदलाव आया है इससे बिकॉज uh, जो राज्यों की बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज्यादा Uh, जैसे uh, की जब हम बात करते हैं तो एक निश्चित बाउंड्री होती है टेरिटरी होती है पॉपुलेशन होती है एक गवर्नमेंट होती है लेकिन जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है तो उससे राज्यों की जो बाउंड्रीज है वो इरेलीवेंट हो गई हैं दैट मींस आप जैसे सोशल मीडिया हो गया या इंटरनेट हो गया सेटेलाइट चैनल हो गया उसके माध्यम से बाहर क्या हो रहा है आप जान सकते हैं अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं बाहर के लोगों को विचारों को जान सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाल ही में अमेरिकन इलेक्शन जो है Sure सभी स्टूडेंट्स ने उसको भारत में बैठ कर देखा होगा उसमें शायद रुचि भी आपकी होगी तो दैट मीन्स आपकी जो बाउंड्री है वो इन्फॉर्मेशन को रोक टोक नहीं पा रही है एरिया uh, स्टडीज एरिया स्टडीज होता है स्टूडेंट्स uh, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगेन जैसे हमने आपसे कहा इंटरनेशनल रिलेशंस अब इतना व्यापक हो गया है तो बहुत सारे ऐसे हायर uh, स्टडीज के इंस्टिट्यूट हैं जो एरिया स्टडीज में भी डिग्री देते हैं फॉर एग्जांपल साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया अमेरिकन स्टडीज रशियन स्टडीज और वॉर एंड पीस सबसे इंपॉर्टेंट जो, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है आप जो है अन्य राज्यों से जब आप डील करते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से डील करते हैं या समस्याओं से डील करते हैं तो वह शांतिपूर्ण भी हो सकती हैं या तनावपूर्ण भी हो सकती हैं तो इससे स्पष्ट होता है मेनी ऑफ दीज इश्यूज गो बियॉन्ड द स्पीयर ऑफ रिलेशन अमंग स्टेट्स राज्यों के आपसी संबंध से, से बहुत ज्यादा व्यापक अब हो गया है अंतरराष्ट्रीय संबंध कि अंतरराष्ट्रीय संबंध या वैश्विक जो राजनीति है वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको आप तीन परिपेक्ष में देख सकते हैं इन थ्री परस्पेक्टिव टॉक अबाउट इट जो पहला है जिसे आप 1930 या 40 में मान सकते हैं इससे पहले था समथिंग विच इज कॉल्ड यूटोपिया यूटोपिया जैसे हमने आपसे कहा था जो आपका सेकेंड यूनिट है जिसमें आप लिबरलिज्म वगैरह करेंगे उदारवाद तो उसमें आप आदर्शवाद आइडियलिज्म भी करेंगे वुड्रो विल्सन के विचार उसमें आप करेंगे तो उस फेज को माना जाता था यूटोपिया जो एक तरह से स्वप्न है जो बहुत ही आदर्शवाद है जो शायद संभव नहीं है अंतरराष्ट्रीय संबंध में आ, ऐसा हो सके तो उस फेज के बाद जो प्रथम फेज माना जाता है 1930 और 40 का जो लगभग का जो दशक रहा है या दो दशक रहे हैं तो उसमें ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संबंध में फोकस था पावर और सिक्योरिटी पर यानी सुरक्षा और शक्ति पर और ये सुरक्षा और शक्ति जो थी स्टूडेंट्स ये राजनीतिक थी उस समय आर्थिक शक्ति या पर्यावरणीय मुद्दे इन सब के बारे में इतना ना सोचा जाता था ना महत्व दिया जाता था क्योंकि ये स्टेट सेंट्रिक था केवल राज्य को केंद्र माना जाता था और राज्य की शक्ति और राज्य की सुरक्षा और इसका कारण यह था कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इट वाज़ अ क्वाजी एनार्किकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड द ऑफ़ स्टेट्स विद नेशनल सिक्योरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक क्वाजी एनार्किकल यानी आप कह सकते हैं अर्ध अराजकता क्योंकि जैसे आप कह सकते हैं कि उस समय 1930 और 40 में अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे हैं दो जो हमारे युद्ध थे उनके बीच का जो समय था पहला युद्ध जो था आपको याद होगा वो नाइनटीन नाइनटीन में ट्रीटी ऑफ बरसाई की संधि से समाप्त हुआ था और दूसरा 1939 में शुरू हुआ था तो आप कह सकते हैं दो विश्व के मध्य का जो समय रहा लगभग लगभग और साथ में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का जो समय रहा तो उस समय एक एनार्किकल सिस्टम था पहले राष्ट्र संघ था ज्यादा सफल नहीं हो पाया उसके बाद यूनाइटेड नेशन आया सो so, इस समय ये माना गया एनार्किकल यानी अराजकता पूर्ण अर्ध अराजकता पूर्ण विश्व है और राज्य एक मेन एक्टर है और राज्य के पास किस प्रकार की शक्ति है राजनीतिक शक्ति और क्योंकि विश्व एनार्किकल है विश्व में अराजकता है क्षेत्र में इसलिए राज्य जो है वो बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है राज्य को असुरक्षा है अन्य राज्यों से अ कंट्री और अ स्टेट फील दैट द अदर स्टेट्स में ट्राई टू हार्म Uh, other states may try to uh, uh, try to create conditions which are non uh, which are very difficult which are uh, difficult in terms of security dilemma हम इसे सिक्योरिटी राज्य राज्य अपनी अपनी राज्यों के लिए वो एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है क्योंकि जब भी हर राज्य प्रयास करता है अपनी हथियारों की होड़ में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तो अन्य राज्य को भी लगता है कि दूसरे राज्य के पास ज्यादा शक्ति है तो वो भी यही प्रयास करता है तो एक एक आप कह सकते हैं हमेशा एक असुरक्षा की जो स्थिति है वो बनी रहती है ये आप कह सकते हैं पहला परिपेक्ष था उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया समय के साथ और दूसरा परिपेक्ष आप कह सकते हैं कि 1930 और 40 में जो शुरू हुआ था वो चला और 1960 और 70 आ, आ, का जो दशक था वहां पर बदलाव आया एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और एक दूसरा पर्सपेक्टिव द सेकेंड पर्सपेक्टिव स्टार्टेड और एक दूसरा परिपेक्ष सामने आया और इससे आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रांसनेशनल रिलेशंस यानी कि एक अंतर निर्भरता डिपेंडेंस होता है निर्भरता इंटरडिपेंडेंस निर्भरता और ट्रांसनेशनल रिलेशंस यानी राज्यों के जो परस्पर संबंध थे और अन्य एक्टर्स के साथ भी जो उनके संबंध थे उन पर बल दिया गया और एक अंतर निर्भरता यानी ये फेज था जब एक राज्य स्वयं जो था वो अपने आप में परिपूर्ण महसूस नहीं कर रहा था वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहा था या राज्यों के संबंध आपस में इंटरडिपेंडेंट हो रहे थे और ये साठ और सत्तर के दशक में इसकी शुरुआत हुई और इसका कारण रहा क्योंकि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स उस समय सामने आए यानी राज्य अभी भी महत्वपूर्ण था पर राज्यों के साथ और बहुत सारे एक्टर्स सामने आए जैसे कि सुप्रानेशनल एक्टर सुप्रानेशनल होता है जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आज जिसे स्टूडेंट्स हम लोग यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी उस समय ये माना जाता था या यूरोपियन कम्युनिटी के रूप में इसको देखा गया जहां पर कुछ यूरोप के जो राज्य हैं खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी यूरोप के राज्य उन सब ने आपस में मिलकर एक कम्युनिटी या एक ग्रुप बनाया और इसमें उन्होंने पुलिंग ऑफ सॉवरिटी यानी कि धीरे धीरे अपनी जो संप्रभुता है उसको इसमें उन्होंने पूल किया यानी एक ये राज्यों के ऊपर एक ये संस्था बनी तो ये एक अन्य एक्टर था राज्यों के ऊपर इसी तरह से एवं जो है इस समय उभरी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने लगी तो इससे स्पष्ट हुआ कि अंतर निर्भरता बढ़ रही है ट्रांसनेशनल रिलेशंस बढ़ रहे हैं और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी और इसके साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के साथ ही साथ ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था और उसके तहत वर्ल्ड बैंक उस समय हम उसे आई के नाम से जानते थे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि यूरोप में जो बहुत नुकसान हुआ था उस उनका जो पुनर्गठन वगैरह करना है वहाँ पे सहायता देना अब अब हम उन्हें विश्व बैंक संस्थाओं के रूप में जानते हैं और आई एम एफ मुद्रा कोष सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो ये भी uh, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उस समय उभर चुकी थी तो और सारे एक्टर्स जो हैं वो समय सामने आए और आई एम एफ वर्ल्ड बैंक से uh, राज्य जो है वो लोन लेते थे तो इस तरह से एक अंतर निर्भरता का समय उस समय शुरू हुआ